आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग दो, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। कहानी प्रथम चातुर्मास की। धर्म संघ का उत्तरदायित्व संभालने के बाद मेरे सामने कुछ शीघ्र करणीय काम थे। उनमें एक प्रमुख काम था मातृश्री छोगा जी के दर्शन। उस समय बिदासर में मातृश्री का स्थिर वास था। साधना में रंगा हुआ मन श्रद्धा और समर्पण का सजीव रूप, उनकी सहजता और सरलता सबके आकर्षण का केंद्र थी। साध्वी खुमा जी लाडनू उनकी सेवा में विशेष रूप से नियुक्त थी। अन्य साध्विया भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी। ब्यावर मर्यादा महोत्सव के बाद मैं बिदासर पहुंचा। मातृ मिलन का दृश्य अनूठा था। मातृश्री का मन पूरी तरह से संतुष्ट था। उनकी कोई बड़ी आकांक्षा नहीं थी, फिर भी वे चाहती थी कि मैं बिदासर अधिक से अधिक रहूं। मैं स्वयं भी चाहता था कि कुछ समय मातृश्री के पास रहकर उनकी भावना पूरी करूं। मैंने मन ही मन निर्णय सा कर लिया कि आगामी चातुर्मास बिदासर करना है। इस निर्णय की घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी बहुत लोगों की धारणा थी कि यह चातुर्मास मातृश्री को मिलेगा, पर नियति को कुछ और ही मान्य था। एक दिन मध्याह्न के समय मुनि मगनलाल जी और मुनि चंपालाल जी दोनों आए और बोले, बीकानेर से राजस्व विभाग के आयुक्त कुंवर प्रेम सिंह जी आए हैं, महाराज गंगा सिंह जी ने उनको भेजा है, वे महाराज की कुछ प्रार्थना लेकर उपस्थित हुए हैं। मैंने कहा उन्हें दर्शन करने दो। कुछ समय बाद कुंवर प्रेम सिंह जी और ईसरचंद जी चोपड़ा गंगासर वहां आ गए। मैंने उनसे अचानक आगमन का प्रयोजन पूछा। वे बोले, दरबार साहब ने प्रार्थना की है कि इस वर्ष पूजी महाराज आचार्य श्री का चातुर्मास बीकानेर होना चाहिए। सर्वथा अकल्पित समाचार सुनकर मैंने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? अभी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, मातृश्री छोगा जी को संभालना जरूरी है। कुंवर प्रेम सिंह जी दरबार के प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा, आपका कहना ठीक है, किंतु महाराज की प्रार्थना पर ध्यान देना भी जरूरी है। उनकी गोल्डन जुबली का प्रसंग है, वे चाहते हैं कि बीकानेर रियासत के सभी गणमान्य व्यक्ति वहां रहें। तेरा पंथ धर्म संघ हमारी रियासत का प्रमुख धर्म संघ है। उसके आचार्य उस समय वहां रहते हैं तो राज्य की शोभा बढ़ती है, इससे दरबार साहब को भी बल मिलेगा। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपकी सेवा में भेजा है। ईसरचंद जी चोपड़ा कुंवर साहब की बात को पुष्ट करते हुए बोले, गुरुदेव यह एक अवसर है। दरबार गंगा सिंह जी हमारे संघ के प्रति बहुत सम्मान की भावना रखते हैं। मैं आपसे इस समय कोई प्रार्थना नहीं करता, पर अवसर की बात है, यह एक मौका है, आपको चिंतन करना चाहिए। मेरे सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इधर मातृश्री छोगा जी, उधर बीकानेर के प्रतापी राजा गंगा सिंह जी, अपने राज्य के सर्वे सर्वा। दरबार का प्रभाव भी इतना कि सामान्यतः हर कोई व्यक्ति उनसे मिल भी नहीं पाता था। उनकी प्रार्थना पर ध्यान देना जितना जरूरी था, मातृश्री की भावना पूरी करना भी उतना ही आवश्यक था। मेरे सामने दो विशिष्ट व्यक्ति थे। दोनों दो छोरों पर थे और किसी भी छोर को अनदेखा करना संभव नहीं था। मैं उस विषय में सोचने लगा तो मुनि मगनलाल जी बोले, ईसरचंद जी समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, मौके की बात है, आप इनकी प्रार्थना पर गौर फरमाएं। मैंने कहा, मैं माजी की भावना को ठेस नहीं लगा सकता। मुनि मगनलाल जी बोले, यह संघ की प्रभावना का सवाल है, माजी को समझाने का प्रयास हम करेंगे। मुनि चंपालाल जी को ऐसी बातों में पूरा रस था, वे मगन जी स्वामी के विचारों से सहमत थे। मैं तत्काल निर्णय करने के पक्ष में नहीं था। समय को टालने की दृष्टि से मैंने कहा, आपकी प्रार्थना ध्यान में आ गई है, हम थोड़ा विचार करेंगे। मातृश्री छोगा जी आई, उनके सामने बीकानेर की चर्चा की। एक बार तो वे चौंक उठी, अकल्पित बात सामने आने पर ऐसा होना स्वाभाविक ही था। उनकी सेवा में साध्वी खुमा जी थी, वह एक अच्छी समझदार साध्वी थी। उनको सारी स्थिति बताई गई। उन्होंने माजी को समझाते हुए कहा, माजी महाराज आप पर गुरुदेव की बहुत कृपा है, आपके लिए इतनी दूर पधारे हैं,
यहाँ चौमासा करने की पूरी मर्जी है, किंतु आज बीकानेर से कुछ बड़े आदमी आए हैं, उनको राजा गंगा सिंह जी ने भेजा है। राजा जी की जुबली का मौका है, हमको सेवा का अवसर और भी मिल सकता है। राजा जी को ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप गुरुदेव से अर्ज करें कि इस वर्ष बीकानेर पधारे और चौमासा उतरने के बाद आपको सेवा कराए। मात्र श्री छोगा जी का स्वभाव बहुत सरल और भद्र था। वे बोली, अन्नदाता, आपकी सेवा करने की भावना बहुत प्रबल है, पर ये कुमा जी कहती है कि आपका बीकानेर पधारना बहुत जरूरी है, तो आप सूखे सूखे पधारो, वहाँ पधार कर मुझे भूलना मत, मेरी संभाल जल्दी लेना। मातृश्री ने मेरी दुविधा समाप्त कर दी। अब मेरा रास्ता प्रशस्त था। मैंने उस समय चातुर्मास की घोषणा नहीं की, पर कुंवर प्रेम सिंह जी को संकेत दे दिया। वे आश्वस्त होकर बीकानेर चले गए। कुछ समय बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने प्रमुख मिनिस्टर मानधाता सिंह जी को भेजा। वे सज्जन जी चोपड़ा के अच्छे मित्र थे। उन दिनों उस इलाके में चोपड़ा परिवार का पूरा प्रभाव था, उनके नाम से पत्थर तैरते थे। मानधाता सिंह जी ने प्रभावशाली ढंग से महाराज की भावना प्रस्तुत की। मुनि मगनलाल जी ने उनकी भावना को बल देते हुए कहा, बीकानेर चौकले में धर्मसंघ का प्रभाव बढ़ाने का ये एक अच्छा अवसर है। आप नए नए आचार्य हैं, अभी आपके नाम से सबको आकर्षण है। आपने संस्कृत का गंभीर ज्ञान किया है, उसका वहाँ अच्छा उपयोग हो सकता है। उचित समय पर बीकानेर चतुर्मास की घोषणा कर दी गई। श्री डूंगरगढ़ होते हुए हम बीकानेर पहुंचे। बीकानेर की श्राविका केसरबाई रामपुरिया रतनगढ़ निवासी जसकरण जी बैद की पुत्री थी। उनका विवाह बीकानेर के सिद्धकरण जी रामपुरिया के साथ हुआ। उनका परिवार धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से संपन्न था। परिवार की धार्मिक आस्था संवेगी संप्रदाय में है, किंतु केसरबाई तेरा पंथ धर्म संघ के प्रति आस्थावान थी। सिद्धकरण जी छोटी अवस्था में दिवंगत हो गए। धार्मिक वृत्ति के कारण केसरबाई संभल गई। उन्होंने अपना जीवन संयम और सादगी में ढाल लिया। उनके दत्तक पुत्र थे भवरलाल जी। हमारे चातुर्मास की घोषणा के बाद एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मैं गुरुदेव का चौमासा कराना चाहती हूँ। भवर जी बोले, काकी जी, आपकी इच्छा है तो अवश्य कराओ। केसरबाई की हार्दिक इच्छा देखकर भवरलाल जी श्रावक इसरचंद जी चोपड़ा से मिले और अपनी माँ की भावना उनके सामने प्रकट की। सेठ जी बोले, भाई, यह मेरे हाथ की बात नहीं है, आपकी भावना गुरुदेव के ध्यान में ला देंगे और समाज के सामने रख देंगे। इस विषय में समाज के निर्णय को ही स्वीकार करना होगा। समाज की अनुकूलता पाकर भवर जी ने कहा, सेठ साहब, चातुर्मास के लिए अपेक्षित सामग्री और अर्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, पर हमारे पास व्यवस्था करने वाले व्यक्ति नहीं है। व्यवस्था की ओर से उनको सर्वथा निश्चित कर सेठ जी ने भ्रातु युगल ताराचंद जी और केसरचंद जी बोथरा को बुलाया। दोनों भाई युवा थे, श्रद्धालु थे, समर्पित थे और काम करने की लगन रखने वाले थे। उन्होंने चातुर्मास में व्यवस्था का पूरा दायित्व संभाल लिया। हमारे आवास के लिए लाल कोठड़ी स्थान निर्मित हुआ। रांगड़ी चौक के पास बोथरों के मोहल्ले में किसी समय सुमेरमल जी बोथरा ने वह मकान बनवाया था। कालांतर में इसरचंद जी चोपड़ा ने उसे खरीद लिया। उसी मकान में हमारा प्रवास हुआ। वर्तमान में वह पुनः बोथरा परिवार ताराचंद जी केसरचंद जी के अधिकार में है। इसरचंद जी मूलतः गंगासह निवासी थे, पर बीकानेर चतुर्मास में पूरे 4 महीने तक उनका डेरा रहा। वे गंगासहर आते जाते रहते थे, फिर भी अधिक समय बीकानेर में बिताते थे। वहां लाल कोटड़ी के पास ही श्रावक यति रामधीन जी का उपाश्रय था। उनकी पत्नी श्राविका रूपा बहुत श्रद्धाशील थी। उनके 2 पुत्र थे, लूनकरण जी और मिश्रीमल जी। उनके परिवार में आज भी अच्छी श्रद्धा है। इसरचंद जी का डेरा उन्हीं के उपाश्रय में लगा, इससे संपूर्ण रांगड़ी में उनका अच्छा प्रभाव रहा। वे शासन भक्त श्रावक थे। उनका सामाजिक नेतृत्व और ताराचंद जी केसरचंद जी आदि कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बहुत सफल रही। तेरापन समाज के बहुत थोड़े परिवार होने पर भी हमारा चातुर्मास शहर में चर्चा का केंद्र बन गया। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों के बारे में लोग जिज्ञासु बने। प्रतिदिन के प्रवचनों और विशेष कार्यक्रमों में अन्य लोग सम्मिलित होते या नहीं, पर वे यह समझ रहे थे कि तेरापन का अनुशासन, संगठन और व्यवस्था कौशल बेजोड़ है। चातुर्मास में महाराज गंगा सिंह जी की स्वर्ण जयंती का ऐतिहासिक प्रसंग उपस्थित हुआ।
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ग्वालियर आदि देश के सभी रजवाड़ों के प्रमुख व्यक्ति वहां एकत्रित हुए। दिल्ली से वायसराय को बुलाया गया। बीकानेर शहर को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया। शहर के मुख्य स्थानों पर आकर्षक दरवाजे बनाए गए। दरवाजे बनवाने वाले में प्रतिस्पर्धा सी हो गई। किसी ने आकर्षक वस्त्रों से दरवाजा बनाया, किसी ने बर्तनों से बनाया, किसी ने नोटों से दरवाजा बनाया और किसी ने सिक्कों का उपयोग किया। सेठ ईसरचंद जी चोपड़ा ने लाल कोठड़ी के सामने असरफियों से दरवाजा बनाया। दर्शकों ने बताया कि सर्वाधिक भव्यता और सुंदरता के लिए वही दरवाजा चर्चित रहा। दरबार की सवारी पूरे ठाट बाट से निकली। हाथी, घोड़े, रथ आदि को विशेष रूप से सजाया गया। सेठ जी द्वारा बनवाए गए दरवाजे को दरबार ने ध्यान से देखा। इस बात की चर्चा राजमहलों तक पहुंची। कुंवर करण सिंह जी सवारी के साथ नहीं थे। उन्होंने दरवाजे की महिमा सुन दरबार से पुनः वहां पधारने का अनुरोध किया। दरबार उन्हें साथ लेकर दूसरी बार वहां आए। कुल मिलाकर शहर में सेठ जी की सूझबूझ की सराहना की गई। यह काम चातुर्मास में हुआ, इसलिए इसके साथ हमारा नाम सहज जुड़ गया। मातृश्री वदना जी की दीक्षा। मातृश्री वदना जी प्रारंभ से ही एक धर्मपरायण महिला थी। गुरु सेवा, साधु साधियों की उपासना, प्रवचन श्रवण, गोचरी की भावना आदि में वे पूरी जागरूक थी। गंगापुर में पदारोहण के अवसर पर उन्होंने मोहनलाल जी आदि के साथ दर्शन किए। उन्हें अपार हर्ष हुआ। कुछ दिन गंगापुर ठहर कर वे लाडनू लौट आई। उसके बाद वदना जी समय समय पर आती और लौटती रही। माँ का अपना मन होता है, उसमें संतान के प्रति सहज ममत्व का भाव रहता है। पुत्र और गुरु, इन दो संबंधों के कारण उनकी इच्छा रहती कि वे आगे आकर दर्शन करें और कुछ समय निकट बैठकर उपासना करें। एक दिन वे कुछ बहनों को लांघकर दर्शन करने के लिए आगे आई। एक बहन उन्हें लक्ष्य कर बोली, यह कौन महिला है? आगे बैठने से अधिक धर्म होता है क्या? दूसरी बहन ने कहा, बाई तुम समझती नहीं हो, यह आचार्य श्री की संसार पक्षीय माता है। यह सुनकर पहली बहन मुंह बनाते हुए बोली, माता है तो क्या करे, पूजी महाराज केवल इसके ही नहीं है, दर्शन सेवा तो पीछे से भी हो सकती है, माँ जी बनकर आगे आई है। संयोग की बात, बहन की यह बात मुनि चंपालाल जी के कानों तक पहुंच गई। उनके चिंतन को झटका लगा। उन्होंने सोचा, माँ की ममता वदना जी को आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। इनके आगे आने पर बहने इस प्रकार व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि किसी तरह इनकी दीक्षा हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अपने चिंतन की क्रियान्विति के लिए एक दिन वे मेरे पास आकर बोले, अन्नदाता आप आचार्य हैं, मैं संसार पक्ष में आपका बड़ा भाई हूँ, लाडा जी बड़ी बहन है, अब वदना जी का कल्याण हो सकता है क्या? मेरे सामने सर्वथा नई बात आई थी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसी बात भी कर सकता है। मैंने मुनि चंपालाल जी से कहा, आप भी कैसी बात करते हैं, आपको स्वयं सोचना चाहिए। वदना जी की यह अवस्था, उनका शरीर पूरा स्वस्थ नहीं है। अभी गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ है। मातृश्री छोगा जी की सेवा और समाधि का ध्यान रखना हमारा सर्वोपरि दायित्व है। मैं वदना जी की दीक्षा के पक्ष में नहीं हूँ। मुनि चंपालाल जी धुनी के धनी व्यक्ति थे। मैंने उनकी बात स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दी तो वे वहां से उठकर चले गए, किंतु मन ही मन निर्णित सा कर लिया कि यह काम कराना है। अपनी योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले उन्होंने एक बार वदना जी से बात करने का मानस बनाया। उनकी दीक्षा की भावना ही न हो तो योजना बनाने से क्या लाभ, यह सोचकर उन्होंने वदना जी से बात की। उनके बीच हुए वार्तालाप को भाषा बदल कर उसी शैली में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मुनि चंपालाल जी, माँ जी बोलो क्या हाल चाल है? वदना जी, बोलू क्या, बहुत सौभाग्य की बात है, परिवार का नाम रोशन हो गया, इससे अधिक और क्या होगा? मुनि चंपालाल जी, यह तो है ही, आपकी क्या भावना है? वदना जी, मैं समझी नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। मुनि चंपालाल जी, आपके मन में वैराग्य है क्या? वदना जी, आप भी कैसी बात करते हैं, मुझ वृद्धा को कौन लेंगे? मुनि चंपालाल जी, लेने देने की बात छोड़ो, आपकी भावना
क्या है? वदना जी, मेरी भावना कब नहीं थी, आपकी दीक्षा हुई उस समय से मेरी इच्छा है। फिर लाडा जी और तुलसी की दीक्षा के समय भी मैं तैयार थी। मैंने तुलसी से कहा भी था कि साथ में मेरी दीक्षा भी करा दे, किंतु उसने मना कर दिया। आप सब अपना कल्याण कर रहे हैं, मैं संसार के कीचड़ में फंसी हुई हूँ, अब इस उम्र में मुझे कौन लेंगे? मुनि चंपालाल जी, वदना जी, मैं कहता हूँ कि लेने देने की बात अभी छोड़ो, मौका आने से काम हो सकता है, पर पहले अपने आप को तोलो। वदना जी, मोटा पुरुषों, मैं तो अभी तैयार बैठी हूँ, आपकी कृपा होनी चाहिए। मुनि चंपालाल जी, आगे नानी का घर नहीं है, साधु जीवन का काम है, पदयात्रा, केस लोच, सर्दी गर्मी के परिसर, सब कुछ सहना होगा। वदना जी, इतना तो मैं भी जानती हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ। साध्वियों का संपर्क तो वर्षों का है, चलने का जहाँ तक प्रश्न है, 3 कोस चल सकती हूँ, लोच खुशी खुशी करा लूंगी। सर्दी मुझे अधिक लगती है, ये बात सही है, पर और साध्विया भी हैं, उन सबको ओढ़ने के लिए मिलता है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। दीक्षा आती हो तो मैं आधी रात तैयार हूँ। मुनि चंपालाल जी, वदना जी, एक बार फिर सोच लो, माना कि आप मेरी संसार पक्ष माँ हो, एक आचार्य की माँ हो, पर इससे कोई अंतर नहीं आएगा, साधुपन का पालन तो आपको ही करना होगा। वदना जी, मोटा पुरसा, क्या मैं इतना भी नहीं जानती हूँ, आपके मन में मेरे प्रति अविश्वास क्यों है? मुनि चंपालाल जी, और सब ठीक है, पर ज्येष्ठ पुत्र मोहनलाल जी से आपका कितना मोह है, उनको कैसे छोड़ पाओगी? वदना जी, यह बात आपने ठीक कही, मोनू से मेरा मोह है, पर यहाँ भी तो मेरे 2 पुत्र हैं, मैं मोह तोड़ लूंगी। एक बात और है, मैं वर्ष में 2 बार आंवले लेती हूँ, उनकी तो जरूरत पड़ेगी। मुनि चंपालाल जी, यह तो कोई खास बात नहीं है। वदना जी, और सब बातें मैं सहन कर लूंगी, आप तो जानते ही हैं कि मैंने सब दिन देखे हैं, पूरे परिवार को परोटा है, यहाँ और क्या कठिनाई होगी? आप यह तो बताएं कि मुझे साधुपन आ जाएगा क्या? मुनि चंपालाल जी, यह तो कौन कह सकता है, मैंने आपकी भावना परखने के लिए बात कर ली, खैर अपने विचार पक्के रखो, मौका होगा तो देखा जाएगा। मुनि चंपालाल जी के सामने उस समय एक ही लक्ष्य था, उन्होंने वदना जी से कई बार बात की और उनके विचारों को मजबूत कर दिया। उसके बाद वे मुनि मगनलाल जी के पास जाकर बोले, मुनिश्री, कृपा करके वदना जी का काम करा दे, उन्हें दीक्षा दिला दे। मगन जी स्वामी ने इस काम में रस नहीं लिया, अपनी बेरुखी प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, चंपालाल, तू भी कैसी बात करता है, उनसे अपना शरीर तो संभलता ही नहीं है, 5 महाव्रतों का भार कैसे उठेगा, खबरदार फिर कभी ऐसी बात मत करना। वदना जी अच्छी श्राविका हैं, घर में रहती हुई धर्म ध्यान करे, यही श्रेयस्कर है, इस अवस्था में साधुपन की बात टेढ़ी खीर है। मैंने और मुनि मगनलाल जी ने इस संदर्भ में कोई बात नहीं की थी, फिर भी हमारे विचारों में कोई मतभेद नहीं रहा। इस स्थिति में मुनि चंपालाल जी के सामने कोई आलंबन नहीं रहा, किंतु वे अपनी पकड़ के पक्के थे। उन्होंने 2 काम शुरू कर दिए, वदना जी को आवश्यक तत्व ज्ञान सिखाना और कुछ वयोवृद्ध श्रावकों को अपने पक्ष में तैयार करना। पहले उन्होंने वदना जी से पूछा कि उन्हें कुछ याद है या नहीं। वदना जी बोली, 25 बोल, पाना की चर्चा, श्रावक प्रतिक्रमण आदि मेरे सीखे हुए हैं, पर अब उनकी विस्मृति होने लगी है। मुनि चंपालाल जी ने विस्मृत थोकड़ों को पक्का कराने की जिम्मेदारी साध्वी लाडा जी को सौंपी। लाडा जी ने दीक्षार्थी बहन रत्नीबाई को इस काम के लिए तैयार कर लिया। उसने रात दिन चेष्टा कर वदना जी को एक एक बोल पक्का करा दिया। मुनि चंपालाल जी माँ जी की ओर से सर्वथा निश्चिंत हो गए। अब उन्हें वातावरण बनाना था, इसके लिए वे सुजानगढ़ के जेसराज जी कठोतिया से मिले और बोले, चौधरी जी, मेरी इच्छा है कि वदना जी की दीक्षा हो जाए। जेसराज जी ने कहा, आपकी इच्छा होने से क्या होगा, माँ जी की क्या भावना है? मुनि चंपालाल जी बोले, उनकी भावना के बिना मैं बात कैसे करता? जेसराज जी ने कहा, यदि माँ जी की इच्छा है तो इसमें ऊंची कोई बात नहीं है, उनका भाग्योदय हो जाएगा और आपका मनोरथ फल जाएगा, पर पहले बात को पूरा तोल ले।
मुनि चंपालाल जी बोले, मैं तो तोल कर ही बोल रहा हूँ, किंतु बाबा मुनि मगनलाल जी अनुकूल नहीं है। उन्होंने लाल झंडी दिखा दी, उधर आचार्य श्री भी तैयार नहीं है। जयसराज जी ने कुछ क्षण सोचकर कहा, आचार्य श्री का चिंतन उचित है, उनकी ओर से कोई बात होगी तो लोग कहेंगे कि माझी पर माझी ले आए। बाबा का जहां तक सवाल है, उनकी नाड़ी में जानता हूं, आप एक काम करें, गांव-गांव के 10-20 वृद्ध लोगों को तैयार करें, हम सब मिलकर बाबा के पांव पकड़ लेंगे, फिर आपका काम हो जाएगा। मुनि चंपालाल जी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अनेक गांवों के प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, कुछ वृद्ध श्राविकाओं को अनुकूल बना लिया। वे सब मुनि मगनलाल जी के पास जाकर बोले, दीवान जी महाराज, मौके की बात है, बड़ा यश मिलने वाला है, आचार्य श्री की माँ दीक्षा की भावना रखे और आप दलाली न करें, यह कैसे संभव है? माजी में दीक्षा की योग्यता न हो तो दूसरी बात है, अन्यथा आपको आगे आना चाहिए। जनभावना के सामने मुनि मगनलाल जी को झुकना पड़ा। वे मेरे पास आकर बोले, चंपालाल वदना जी की दीक्षा के लिए कह रहा था, आपकी क्या मर्जी है? मैंने कहा, उन्हें दीक्षा देने की न मेरी इच्छा है और न उचित ही है। मुनि मगनलाल जी दुविधा में आ गए। उन्होंने थोड़ा बल दिया तो मैंने कहा, मुनि चंपालाल जी कहते हैं इस बात को एक बार छोड़ दे, आपको उचित लगता है क्या? वे कुछ गंभीर होकर बोले, जब तक मुझे उचित नहीं लगा मैं आपके पास नहीं आया। मैंने ध्यान दिया है वदना जी की अवस्था 60 के आसपास है, फिर भी आंखों की ज्योति ठीक है और विहार करने की शक्ति भी है, उनकी वैराग्य भावना अच्छी है, त्याग प्रत्याख्यान की प्रवृत्ति है और गृहस्थ जीवन में बहुत कुछ सहा भी है, आप कृपा करें तो उनका कल्याण हो जाए। मुनि चंपालाल जी ने भीतर ही भीतर जो वातावरण बनाया वह कुछ व्यक्तियों के माध्यम से प्रसारित हो गया। कुछ मनचले युवकों ने इस प्रसंग को लेकर विद्रोही आवाज उठाई। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ को दीक्षा के लिए तैयार करना पक्षपात है, हम भी अपनी दादियों को तैयार करेंगे, यदि इन्हें दीक्षा देंगे तो उन्हें भी देनी होगी। दीक्षा कोई मुखोटा तो है नहीं जिसे कोई किसी को जब चाहे पहना सके, यह तो चेतना का रूपांतरण है, उसके अभाव में कोई किसी को दीक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकता। चातुर्मास के आखिरी महीने में दीक्षा समारोह की आयोजना थी। दीक्षा की प्रार्थना करने वाले भाई बहनों का तांता सा लग गया। पूरी जांच परख के बाद 30 मुमुक्षु भाई बहनों की दीक्षा की स्वीकृति मिल गई। कार्तिक कृष्णा अष्टमी दीक्षा की तिथि निर्णित की गई। वदना जी भी परिवार के साथ वहां आई हुई थी। उनकी दीक्षा के लिए प्रार्थना की गई। कार्तिक कृष्णा तृतीया के दिन उनकी दीक्षा भी घोषित कर दी। इस प्रकार दीक्षार्थियों की संख्या 31 हो गई। दीक्षा के अवसर पर 4 स्पेशल ट्रेनें बीकानेर से आई। पहली ट्रेन उदयपुर से आई, उसमें मेवाड़ संभाग के लगभग 400 यात्री थे। दूसरी ट्रेन राम सिंह का गुड़ा वालों के प्रयास से राणावास से आई, उसमें कांठा संभाग के 35 गांवों के यात्री थे। तीसरी ट्रेन सरदार शहर से आई, उसमें 550 यात्रियों के साथ 14 मुमुक्षु भाई बहन थे। चौथी ट्रेन बालोतरा से आई, उसमें 20 गांवों के यात्री थे। वैसे उस चातुर्मास में 11 स्पेशल ट्रेनें आई थी। शहर में यत्र तत्र यात्रियों को देख स्थानीय लोग कहने लगे, देश में इतने कितने तेरापंथी हैं, जहां देखते हैं वहां तेरापंथी ही तेरापंथी दिखाई देते हैं। रांगड़ी चौक से दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा निकली। सरकारी लवाजमा साथ होने से शोभा यात्रा शहरवासियों के आकर्षण का केंद्र बन गई। कोट दरवाजे से बाहर डूंगर कॉलेज में लगभग 30-35 हजार लोगों की उपस्थिति में दीक्षा समारोह का आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महाराजा भैरव सिंह जी, प्रमुख मिनिस्टर मानधत्ता सिंह, बीकानेर दीवान विनायक राव मेहता, कुंवर प्रेम सिंह जी, कुछ विदेशी लोग, पत्रकार आदि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। विशेष धूमधाम का वातावरण बना। धर्मसंघ में प्रथम बार 31 दीक्षाएं होने के कारण समाज में उत्साह भी बहुत था। पूरी भव्यता के साथ दीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ। वदना जी साध्वी बन गई, उनकी भावना सफल हुई। मुनि चंपालाल जी का संकल्प फलवान बना, मुझे भी अनायासी मातृ ऋण से उत्तीर्ण होने का मौका मिल गया। ओम अरहम।